जय भीम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि वेदों में कोई मॉरलिटी नैतिकता नहीं थी, जैसा कि प्रोफेसर विल्सन ने बताया था। इस चीज को बाबा साहब ने रिडल नंबर 6, रिडल्स इन हिंदुइज्म, हिंदू धर्म की पहेलियों की रिडल नंबर 6 के अंदर, तो द कंटेंट्स ऑफ द वेदास हैव दे एनी मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यू के अंदर एक्सप्लेन किया है। तो हम पर्टिकुलरली रिडल नंबर 6 की उस पैराग्राफ में चलते हैं जिसमें प्रोफेसर विल्सन ये कहते हैं कि वेदों में किसी प्रकार की कोई भी नैतिकता नहीं है। तो ये आगे हम रिडल नंबर 6 के उस पर्टिकुलर पैरा के अंदर, एज टू फिलोसफी देर इज नथिंग ऑफ इट इन द ऋग्वेदा, एज प्रोफेसर विल्सन ऑब्जर्व देर इज इन द ऋग्वेदा विच इज द स्टॉक वेदा स्कैसली एनी इंडिकेशन और डॉक्ट्रिनल और फिलोसफिकल स्पेकुलेशन, नो अल्यूजन टू द लेटर नोशंस ऑफ सेवरल स्कूल्स, नॉर इज देयर एनी हिंट ऑफ मेटा साइकोसिस और अदर डॉक्ट्रिन इंटीमेटली अलाइड टू इट। द वेदास में भी यूजफुल एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सोशल लाइफ ऑफ द आर्यंस एज ए पिक्चर ऑफ प्रिमिटिव लाइफ, इट इज फुल ऑफ क्यूरियोसिटी बट देर इज नथिंग एलिवेटिंग, देर आर मोर वाइसेस एंड फ्यू वर्चुज। कुल मिला के जो प्रोफेसर विल्सन कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वेदों में, स्पेशली जो वेदों के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट ऋग्वेद है, उनमें किसी प्रकार की कोई नैतिकता की, कोई फिलोसफी की, किसी प्रकार की कोई एजुकेशन वाली बात, किसी प्रकार की कोई स्पेशल डॉक्ट्रीन, कुछ कुछ भी बातें नहीं है उसमें। सिर्फ देव देवताओं की पूजा पाठ की गई है, उनकी प्रेयर की गई है, और जो आर्यंस है उनकी सोशल लाइफ के बारे में जो इंफॉर्मेशन है सिर्फ वो उससे मिलती है, आर्यंस की प्रिमिटिव सोशल लाइफ की इंफॉर्मेशन ऋग्वेद से मिलती है। उसमें ऐसा कोई मोरलिटी वाली चीज नहीं है, बल्कि मोरलिटी वाली तो छोड़ो, उसके अंदर ना वाइसेस ज्यादा हैं वर्च्यूज से, ठीक है, खराबियां ज्यादा हैं अच्छाइयों से, किसके अंदर, ऋग्वेद के अंदर, ऐसा बोलते हैं प्रोफेसर विल्सन। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बताना है कि वेदों के अंदर किसी प्रकार की कोई नैतिकता नहीं है, स्पेशली जो ऋग्वेद जो कि मेन वेद है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, उसके अंदर सिर्फ देवी देवताओं की प्रेयर, स्पेशली इंद्र की काफी प्रेयर की गई है, और जो प्रिमिटिव आर्यंस थे, पुराने आर्यंस थे, ओल्ड आर्यंस थे, उनकी जो सोशल लाइफ थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, और उसमें बुराइयां ज्यादा थी और अच्छाइयां कम, ऐसा प्रोफेसर विल्सन बोलते हैं।